उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में भाजपा के मंडल अध्यक्ष को सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई। धमकी भरे पत्र में मंडल अध्यक्ष का सरतन से जुदा करने वाले को 4 लाख रुपए का इनाम देने का भी जिक्र किया गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर पर बाहर खड़ी कार के पीछे शीशे पर देर रात धमकी भरा पत्र चस्पा किया है। वहीं भाजपा नेता ने इसकी शिकायत पुलिस से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल जिला मुख्यालय गौरीगंज मंडल के भाजपा अध्यक्ष संतोष द्विवेदी के घर के बाहर खड़ी मारुति कार के पीछे शीशे पर धमकी भरा पत्र अज्ञात बदमाशों ने चस्पा कर दिया। सुबह जब मंडल अध्यक्ष निजी कार्यों से घर से रवाना होने लगे तो कार के पीछे धमकी भरा पत्र देखकर हड़कंप मच गया। पत्र में लिखा था कि मंडल अध्यक्ष संतोष द्विवेदी का सर तन से जुदा करने वाले को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही पत्र पर लिखा गया था कि मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष द्विवेदी ने पूरे मामले की सूचना गौरीगंज कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस की टीम के साथ गौरीगंज क्षेत्राधिकारी भी पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष द्विवेदी का कहना है कि हम लोग घर के सभी काम निपटाने के बाद देर रात सो गए थे। सुबह इस पत्र की जानकारी हुई, जिसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी है। जब इस मामले में पुलिस अधीक्षक से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गौरीगंज सीओ मयंक द्विवेदी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जल्द ही इस तरह की हरकत करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। इस तरह की हरकत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। थाना गौरीगंज में ग्राम ऐठा में एक भाजपा नेता की कार पर विवादित पत्र चस्पा किए जाने की बात प्रकाश में आई थी, जिस पर थाना स्थानीय पर अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद भाजपा नेता और उनका परिवार दहशत में है। जिले में भी इस तरह पहली बार हरकत की गई है।